नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। आज हम लाए हैं आपके लिए खास रिपोर्ट, वो भी एलियंस पर। जी हाँ, सृष्टि की रचना करने वाले को हम ईश्वर कहे, अल्लाह कहे या फिर गॉड, लेकिन इतना तो तय है कि उसकी रचनाएं खोज पाना या समझना मनुष्य के लिए कभी आसान नहीं रहा। उसने कोई एक ग्रह अर्थात पृथ्वी पर ही जीवों को जन्म नहीं दिया, बल्कि अनेक ग्रहों पर अलग तरह के जीवों को अलग अलग रूपों में जीवन दान दिया, जिनमें से एलियंस भी एक है, जो अनेक और अधिक शक्तियों से परिपूर्ण है। हजारों वर्षों से दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियंस की खोज में जुटे हैं और खोज आज भी जारी है। एलियंस धरती पर कहां आए, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या सबूत मिले हैं उनके धरती पर आने के, क्या धरती पर रहते हैं एलियंस, इस बारे में क्या कहते हैं वैज्ञानिक, आपको बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। धरती पर मौजूद है एलियंस। पिछली सदी के तीसरे दशक में चीन और तिब्बत की सीमा पर एक पर्वतीय क्षेत्र में खुदाई के दौरान एक गुफा से पत्थर के बने कुछ डिस्क मिले, एक या दो नहीं बल्कि पूरे 716। वे तमाम गोलाकार डिस्क ठीक वैसे ही थे जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते हैं। बीच में एक छेद और चारों तरफ बहुत ही महीन ग्रूव्स। कार्बन डेटिंग से वे डिस्क 12,000 साल पुराने पाए गए। रूस के बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सर्जियेव ने प्रमाणित किया कि वे डिस्क वास्तव में रिकॉर्ड सी है, लेकिन उन्हें किस यंत्र पर और किस सुई के माध्यम से बजाया जा सकेगा यह तय नहीं हो सका। हैरानी तब हुई जब परीक्षण के दौरान उनसे विद्युत किरणों का विकिरण होता पाया गया। क्या है ये स्टोन डिस्क? जिस काल के ये बताए जा रहे हैं वह मनुष्य का प्रस्तर युग था। उस युग में मनुष्य द्वारा ऐसे तिब्बत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस खोज के दशकों बाद चीनी शोधकर्ता डॉक्टर तसुम उम नुई ने पाया कि रिकॉर्ड्स के ग्रूव्स वस्तुतः बहुत बारीक लिखी सांकेतिक भाषा थी। उनकी टीम ने कोड भाषा को अनकोड किया तो उनके अर्थ हैरतअंगेज निकले। चीन द्वारा सालों तक गुप्त रखने के बाद 1965 में जारी उस रिपोर्ट से अंतरिक्ष विज्ञान जगत में हलचल मच गई। रिकॉर्ड्स की ग्रुप्ड लिपि 12,000 साल पहले एक असफल एलियन अभियान के बारे में दर्ज सूचनाएं थी। शायद भविष्य में आने वाले एलियंस के लिए खुद को ड्रोपा बताने वाले परग्रही प्राणियों के अनुसार उनका अंतरिक्षयान उस पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वहां गुफाओं में रहने वाले हैम जनजाति के लोगों ने शत्रु समझकर उनके कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। यान के नष्ट हो जाने के कारण उनकी वापसी के रास्ते बंद हो गए थे। बाद में ड्रोपा के मित्रतापूर्ण व्यवहार से गुफावासी हैम लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस रहस्योद्घाटन के बाद इस स्टोन डिस्क को ड्रोपा स्टोन कहा जाने लगा। दुनिया के ज्यादातर अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने साक्ष्यों को देखते हुए कोड लिपि की नुई की व्याख्या को सही ठहराया है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी की जा सकती है कि उस पर्वतीय इलाके की लोक कथाओं में प्राचीन काल में बादलों से उतरने वाले छोटे पीले और बहुत बड़े चेहरे वाले लोगों के कुछ उल्लेख मिलते हैं। आश्चर्यजनक रूप से पिछली सदी के आरंभ में उस इलाके की खुदाई में बड़े सिर वाले जो कुछ नरंकाल मिले थे वे ड्रोपा के बताए हुलिये से मेल खाते हैं और कुछ बचे हुए ड्रोपा पृथ्वी पर ही रह गए थे। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या होगा कि उस पर्वतीय क्षेत्र में अभी जो दो जनजातियां आबाद है उनके नाम हैम और ड्रोपा है। इसी तरह की नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले संडे हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई जानकारी के साथ।